ये जो मैंने आपको पी एच जैसे पढ़ाया हुआ है यही डायोड है। तो डायोड कैसे बनता है, पी टाइप और एन टाइप को मिला कर बनता है। ट्रायड कैसे बनता है, डायमिस होता है दो, डायमिस क्या होता है दो, और ट्रायड मिस क्या होता है तीन, तीन को मिलाकर बनता है ट्रांजिस्टर। जैसे पी एन पी क्या को मिला हुआ एन पी है पीएल, तो डायोड पूछेगा डायोड क्या होता है, बोला पीएल जैसा ही डायोड होता है। पी टाइप से भी और एन टाइप से भी सैंडविच करने के बाद इसका फॉर्मेशन होता है मतलब डायोड बनता है, लेयर डिप्रेशन लेयर तो बनेगा ही जंक्शन पे, इसी को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। ये डायोड का सिंबल होता है, ध्यान रखना इसके सिंबल ये डायोड का होता है। डायोड का दो सिंबल होता है, ये होता है और ये होता है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो ऐसे, ये भी डायोड होता है। ये मोटा वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं पी, इस पार्ट क्या होता है इस मोटा वाला पार्ट को पी, इस पार्ट को ये जनरल डायोड होता है। कौन सा डायोड जनरल, और ये जेनर होता है दुरक्षा के लिए। इस सिंबल को थोड़ा सा टिल्ट कर देना है, कहलाएगा जेनर। सीधा रखेगा तो जेनर, दोनों फर्क क्या है, ये उल्टा कनेक्शन में काम नहीं करता। उल्टा कनेक्शन मतलब प्लस प्लस को जोड़ेंगे माइनस माइनस को जोड़ेंगे तब वो कनेक्शन परफेक्ट होगा, तभी डायोड काम करेगा। जब उस कनेक्शन को उल्टा कर देंगे मतलब प्लस को माइनस से जोड़ेंगे माइनस को, तब ये काम नहीं करेगा, तभी डायोड ब्लास्ट कर जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म को ब्लास्ट हो जाएगा। कौन सा डायोड डायोड, तो उल्टा कनेक्शन में काम करने के लिए जनरल स्पेशल डायोड बना। तो यह कैसा डायोड है जो उल्टा कनेक्शन में काम करता है, उल्टा कनेक्शन को रिवर्स बायस, सीधा कनेक्शन को होता फॉरवर्ड बायस। इसलिए मैंने लिखा है बायसिंग और बायसिंग में क्या होता है, किसी चीज को बैटरी से जोड़ना, किसी भी चीज को डीसी सोर्स से जोड़ेंगे, डीसी सोर्स बैटरी से जोड़ेंगे उसको बोलते बायसिंग करना। तो बायसिंग का टाइप होता है, दो टाइप का होता है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड में क्या करते हैं, बी को प्लस से जोड़ेंगे, बी को प्लस या बी से भी किनारे जोड़ेंगे, बैटरी का बैटरी का प्लस लगा दो। ये कौन सा है इस पैसे किसके लाओ, ऐसे कहा रखो माइनस, ये होगा फॉरवर्ड बायसिंग। क्या हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, आप बी को क्या कर दो माइनस एंड को प्लस, हो गया रिवर्स बायस। जब ऐसा ये कौन सा करेगा, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, रिवर्स रिवर्स बायस में वो डायरेक्ट काम नहीं करेगा, जनरल ये काम। इस डायोड का इस्तेमाल वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं, क्या करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, सही कभी वोल्टेज बढ़ाना कभी कम करना है, फॉरवर्ड रिवर्स ऐसे करते हैं। ये डायोड नहीं काम करता है, ये डायोड भी लगा हुआ है स्कूल में, ये फॉरवर्ड में काम करेगा कि रिवर्स में काम करेगा, दोनों में काम करेगा। लाल वाला प्लस है, लाल वाला प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है, एसी सर्किट है, ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसका लास्ट लास्ट ये नहीं पढ़ना है। ये डिवाइस का नाम क्या है, रेक्टिफायर। ये डिवाइस क्या है, रेक्टिफायर। इसको मिल क्या रहा है, एसी डीसी। ये बना क्या रहा है, डीसी। जो एसी को डीसी बनाता है उसका नाम क्या होता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर अब पूरा एंगल घुमाते रहना है, ये रेक्टिफायर लगा होता है मोबाइल के चार्जर में, रेक्टिफायर लगा होता है चार्जर में, रेक्टिफायर नहीं लगा होता है, तो प्लग में लगाते हैं, क्या करते हैं एसी, आउटपुट क्या देता है मोबाइल का, बैटरी क्या होता है एसी होता है डीसी होता है, डीसी होता है तो डीसी को डीसी चाहिए, चार्जर क्या करेगा उसको डीसी देगा, उसको मिलेगा क्या एसी, उसमें रेक्टिफायर लगा होता है। इस वजह से काला काला से जुड़ा हुआ है, माइनस माइनस से प्लस फॉरवर्ड है कि रिवर्स वाइज है, फॉरवर्ड और क्या कर देंगे तो रिवर्स, सब डायरेक्ट फूक जाएगा, नुकसान है मेरा। एक बार करके देखा हुआ है, देखते एक बार प्रैक्टिकल करके, पहले पैसा रहा तो सर करता। अरे यहाँ से भी माइनस करने से नहीं होता, यही उड़ जाता है, ये करेक्शन क्या है, यही उड़ जाएगा। एक बार हम लोग स्कूल में लगा दीजिएगा, सुनो
ये फॉरवर्ड रिवर्स है। अच्छा डायरेक्ट रिवर्स में कहा नहीं काम करता, उल्टा ट्रांसफर में क्या ऐसा होता है काम नहीं करता सर? पॉजिटिव को नेगेटिव प्लस और किस होता है पूरा मैं समझा दूंगा, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा, खत्म हो जाएगा। प्लस किस जुड़ा है? माइनस है। माइनस किस जुड़ा है? प्लस है। फॉरवर्ड रिवर्स है? रिवर्स है। रिवर्स है। ये माइनस क्या करेगा? प्लस सारा प्लस खींचेगा, अट्रैक्शन करेगा। माइनस प्लस अट्रैक्शन प्लस अट्रैक्शन। ये माइनस क्या करेगा? सारा प्लस खींचेगा। उस माइनस को क्या करेगा? ये प्लस खींचेगा। उधर के माइनस को कौन खींच रहा है? प्लस। इधर के माइनस को? इधर के प्लस को? माइनस। मतलब एक आदमी खड़ा दोनों साइड से, दोनों एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है, फैल जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, फैल जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप खड़े हैं, आपको दोनों हाथ को सुनने खींच रहा है, खींच रहा है, अगर चौरा हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, चौरा हो जाएगा। इसमें तो ये तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। इधर से इस प्लस को ये माइनस खींच रहा है, और उधर से माइनस को ये क्या खींच रहा है? डिप्रेशन का साइज कम है, बढ़ेगा? नहीं नहीं, ये साइज कम है, बढ़ेगा? बढ़ेगा जी, बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा नहीं तो साइज नहीं बढ़ेगा, दोनों साइड से खींच रहा है ना, साइज क्या होगा? साइज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आपको पता है जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो बैटरी से जब सब कनेक्शन करोगे इसको, तो रेसिव बैटरी से कनेक्शन करोगे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से बॉडी गर्म होता है, ठंडा होता है, मतलब हीटर के तार रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हीट हुआ है। तो साइज बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट ज्यादा होगा, इतना ना हीट लेकर डायरेक्ट कह देगा ब्लास्ट। यही कारण है कि रिवर्स में करंट नहीं पास करता। ये डायरेक्ट बनाते हैं कोई डायरेक्ट, इसका स्पेशल इसमें सिलिकॉन का कंसंट्रेशन बहुत हाई कर देता है, हाँ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। और रिवर्स वाइज में भी वो क्या करता है? काम करता है। तो पूछेगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट का खासियत क्या होता है? जो रिवर्स बैच में भी काम करता है, ठीक है। इसको कैसे जोड़ना है? प्लस। ऐसे किसे जोड़ेंगे? माइनस। कौन सा बैच में? फॉरवर्ड बैच में क्या होगा? डिप्रेशन का साइज कम है या बढ़ेगा? कैसे? प्लस प्लस को धक्का मारेगा, अगर से माइनस प्लस मारे दोनों तरह से चापेगा, चापेगा ना, पतला होने के लिए सबसे अच्छा कंडीशन है। क्या करना है? बॉडी को दूसरा दूसरा क्या करेंगे? चाप देना है, मोर चापना, किसी से भी चाप देना। इधर से प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस माइनस तो डिप्रेशन का साइज कम है, बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कमेगा, करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक लिखना है।